हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रेमेडी लेके आई हूँ। जैसे कि कुछ दिनों तक आप बासी मूंग इसे लेते हैं एक मुट्ठी किशमिश को, तो आपको कब्ज, पाइल्स, थकान, कमजोरी, खून की कमी, बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बदलते मौसम में इम्यूनिटी कमज़ोर होने, बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस मौसम में सर्दी जुकाम जैसे और बुखार, कब्ज, इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं त्वचा में इन्फेक्शन। तो जैसे इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप एक मुट्ठी किशमिश रोज़ सुबह खाते हैं। तो सारी बीमारियों के लिए आप एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो उससे अच्छा है आप एक मुट्ठी किशमिश बासी मूंग शाम को भिगो के एक मुट्ठी, जिस तरह हमने लिया है अपनी मुट्ठी से नाप के, एक मुट्ठी किशमिश आप सुबह सुबह शाम को भिगो दीजिए और सुबह उसे खा लीजिए। ये अंगूर होते हैं, सूखे अंगूर हैं, तो इसमें बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो इसलिए एक मुट्ठी किशमिश खाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, अगर आप एक मुट्ठी किशमिश रोज़ सुबह खाते हैं तो। और अगर आपको किशमिश नहीं मिल रहा है तो आप ये दो मुट्ठी अंगूर, जैसे कि हमने एक मुट्ठी किशमिश लिया तो दो मुट्ठी अंगूर आप रोज़ सुबह खा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी लाभदायक है। लेकिन किशमिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कब्ज और पाइल्स से बचने के लिए, बवासीर से बचने के लिए, खराब खान पान की वजह से कब्ज पाइल्स हो जाता है, कोई बीमारी नहीं होती है। और जैसे गैस बनना, पेट फूलना, बहुत सारी शिकायतें पेट में, तो खाने के बाद जैसे बैठे रहना या डिनर के बाद तुरंत सो जाना, बहुत सारी आदतें होती हैं तो इस वजह से हो जाता है। तो किशमिश का आप इस तरह से, फाइबर से भरपूर किशमिश होता है, तो आप अगर शाम को भिगो के ये सुबह सुबह बासी मूंग खाते हैं तो आपको इन सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और जैसे आपको ब्लड की कमी हो गई है तो ये थकान को भी दूर करता है, कमजोरी भी दूर करता है और खून की कमी को भी ये दूर करता है। तो इसे क्या है, किशमिश एक मुट्ठी लेके उसे शाम को भिगो दें, और आप धोना है अच्छे से धो के फिर भिगोएं, और सुबह इसे पानी में रहेगा तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, इसे मिक्सी जार में पीस के भी ले सकते हैं, इसका जूस बना लें, मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लें और इसका जूस बनकर तैयार हो जाएगा। पानी थोड़ा सा और डाल दें और एक गिलास जूस बन जाएगा, तो उसे भी आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही, किशमिश जो होती है आयरन का स्रोत होता है, तो इसे अगर आपको खून की कमी है तो आप इसको लेते हैं तो आपको खून की कमी जो होगी वो पूरा हो जाएगी, और इससे बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक कमजोरी जो होती है, शारीरिक दुर्बलता जो होती है, इसको भी ये दूर करता है। तो आप रात में सोने से पहले भी एक मुट्ठी किशमिश जैसे दूध के साथ ले सकते हैं, आप इसे रात में सोने से पहले भी खा सकते हैं, तो ये वेट लॉस भी करता है, वज़न को भी घटाता है और शारीरिक दुर्बलता को भी ये दूर करता है, और आपको शरीर जो है उसको मजबूत बनाता है। तो किशमिश बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आप इसे भीगा हुआ खाते हैं तभी ये काफ़ी लाभदायक होती है। तो इस तरह से आप किशमिश को रोज़ाना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और अगर आपको कब्ज की, पाइल्स की पुरानी प्रॉब्लम है तो आपको ये जड़ से ज़रूर ख़त्म कर देगी किशमिश। और अंजीर भी ले सकते हैं, लेकिन किशमिश आपको सबसे सस्ता उपाय हमने बताया है जो कि किशमिश है। और कुक विद बंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी या जानकारी।